दोस्तों, मैं राजू यादव अपने टीच स्टीम परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। बीएससी सेकंड सेम जो हमारी ज्योमेट्री चल रही है दोस्तों, उसका एक क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये हमारी दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसके बीच में क्या निकालना है, एंगल। तो देखिएगा, गिविन है हमें टू एक्स माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 11। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्लेन की इक्वेशन। ये एक्स प्लस के वाई प्लस के टू जेड इक्वल टू 3, ये सेकंड। तो दोस्तों दिस इम्प्लाइज ए वन इक्वल टू कितना है, यहाँ टू, ए वन इक्वल टू टू, बी वन इक्वल टू माइनस वन और सी वन इक्वल टू दोस्तों 1। दिस इम्प्लाइज ए टू इक्वल टू दोस्तों 1, बी टू इक्वल टू 1 और सी टू इक्वल टू 2। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन वन एंड टू। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, कोस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस के सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का होल स्क्वायर प्लस के सी वन का होल स्क्वायर इनटू ए टू का होल स्क्वायर प्लस के बी टू का होल स्क्वायर प्लस सी टू का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू टू इंटू वन प्लस माइनस वन वन सी वन सी टू प्लस वन इंटू टू। रूट पहले का सबका स्क्वायर का सम, तो ये फोर प्लस वन इंटू वन प्लस के फोर। तो ये हुआ दोस्तों हमारा टू माइनस वन प्लस के टू अपॉन रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स। ऊपर हुआ दोस्तों फोर, फोर माइनस के थ्री, सॉरी फोर माइनस के वन थ्री और अपॉन में सिक्स, थ्री वन और ये टू टाइम, दैट इज वन बाई टू। तो दिस इम्प्लाई दोस्तों कोस थीटा इक्वल टू आया हमारा वन बाई टू। किसकी वैल्यू होती है, कोस सिक्सटी की, या इसे हम लिख देते हैं कोस पाई अपॉन थ्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई अपॉन थ्री। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा देखिएगा दोस्तों, अब की बार क्या है, सो दैट द प्लेन्स, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है दोस्तों कि ये आर एट राइट एंगल, कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू पाई अपॉन थ्री आया था, यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू आना चाहिए। तो दोस्तों गिवन है हमें, मैंने फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है पहले ही, ये गिविन पहले क्वेश्चन में जो किया था अभी, थ्री एक्स प्लस के फोर वाई माइनस के फाइव जेड इक्वल टू 9। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है हमारी टू एक्स प्लस के सिक्स वाई प्लस के सिक्स जेड इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज ए वन इक्वल टू थ्री, बी वन इक्वल टू फोर, सी वन इक्वल टू
माइनस के फाइव। दिस इंप्लाइज ए टू इक्वल टू टू, बी टू इक्वल टू सिक्स और सी टू इक्वल टू दोस्तों सिक्स। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जो प्लेन की इक्वेशन है वो मैंने लिखी और ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू मैंने लिख दिए। फॉर्मूला है हमारा इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन वन एंड टू, कोस थीटा इक्वल टू ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू रूट ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। ये कब फॉर्मूला लगाना है दोस्तों? मैंने एक फॉर्मूला आपको ये बताया था, कोस थीटा इक्वल टू एल वन एल टू एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये इसी का रूप है दोस्तों। करना क्या है, अगर हमें डायरेक्शन रेशो प्लेन के इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, उसमें ए बी सी क्या होता है दोस्तों? डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो जब डायरेक्शन रेशो हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लेन की गिवन है तो डायरेक्शन रेशो हमने निकाले और डायरेक्शन रेशो वाला ही फॉर्मूला हमने एंगल का लगा दिया। अगर डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन होते दोस्तों तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता। तो देखिएगा, ये इसलिए बताया कि क्यों ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब देखिएगा दोस्तों, थ्री इंटू टू सिक्स, फोर इंटू सिक्स प्लस माइनस के फाइव इंटू सिक्स अपॉन, तो ये हुआ दोस्तों फर्स्ट का स्क्वायर नाइन प्लस फोर प्लस के ट्वेंटी फाइव, इनका स्क्वायर टू प्लस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे हुए फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी और माइनस के भी थर्टी है प्लस के भी थर्टी। तो दोस्तों ऊपर क्या हो गया? जीरो। और जब ऊपर जीरो हो जाता है तो सारा क्या हो जाता है? जीरो। ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स थर्टी, थर्टी माइनस थर्टी जीरो। जब ऊपर जीरो हो जाता है दोस्तों तो सारा क्या हो गया? जीरो। तो दिस इम्प्लाइज, देखिएगा दोस्तों, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, यहाँ फिर टू का स्क्वायर फोर, तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी माइनस के थर्टी अपॉन, ये हो गया दोस्तों हमारा फाइव जीरो और ये हमारा सेवेंटी टू फोर सेवेंटी सिक्स। अब क्या हुआ दोस्तों, थर्टी माइनस थर्टी हमारा जीरो, थर्टी माइनस थर्टी जीरो, तो सब कुछ क्या हो गया? जीरो। तो दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू जीरो किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? कोस नाइन्टी की, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बाई टू। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, यही हमें दोस्तों प्रूफ करना था। राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है? 90, 90 का मतलब पाई बाई टू। तो क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1, 4 माइनस टू एंड पैरेलल टू द प्लेन माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस के थ्री जेड इक्वल टू सेवन। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा हमारा फॉर्मूला ये है दोस्तों, ए एक्स माइनस के एक्स वन प्लस के बी वाई माइनस के वाई वन प्लस के सी जेड माइनस के जेड वन इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन
रेशो होते हैं। और पॉइंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। कुल मिलाकर ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बता रहा हूँ जो एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से होकर जाती है और जिसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, तब ये इक्वेशन होती है हमारी। अब देखिएगा, हमें डायरेक्टली जो दे रखा है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट तो ये है, हमने मान लिया कि एक्स वन वाई वन जेड वन तो दोस्तों 1, 4 और -2 है, लेकिन हमें डायरेक्शन रेशो पता करने हैं। तो डायरेक्शन रेशो के लिए हमें हिंट दिया हुआ है कि वो जो इक्वेशन किसकी दोस्तों, प्लेन की इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो इस प्लेन के पैरेलल है। अगर इस प्लेन के पैरेलल है कोई जो हमें फाइंड करना है, तो दोस्तों जितने जो इसके डायरेक्शन रेशो होंगे, जो इसके डायरेक्शन रेशो है वही उसके भी डायरेक्शन रेशो है जो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा हमें लेट सॉल्यूशन में लेट इक्वेशन लेट डायरेक्शन रेशो ऑफ द प्लेन, मान लेते हैं आर ए बी सी। अब हमें क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसे इस जगह से नोट कर देंगे, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट वन फोर माइनस टू एंड पैरेलल टू द प्लेन माइनस के टू एक्स प्लस के वाई माइनस के थ्री जेड इक्वल टू 7, देन तब कौन सी हो जाएगी दोस्तों ये। तो ए के प्लेस पर क्या है दोस्तों, यहाँ हमारा माइनस के टू, तो लिखता हूँ माइनस के टू एक्स माइनस के वन। फिर बी के प्लेस पर क्या है दोस्तों, वन वाई माइनस के वाई वन दैट इज माइनस के फोर। फिर दोस्तों प्लस, सॉरी यहाँ कर देते हैं माइनस के थ्री, क्योंकि ये माइनस के थ्री है, जेड माइनस के टू, तो माइनस माइनस प्लस के टू इक्वल टू जीरो। इसे रफ कर देता हूँ मैं दोस्तों, और हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हुआ हमारा माइनस के टू एक्स प्लस के वन प्लस के वाई माइनस के फोर माइनस के थ्री जेड इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, माइनस के टू एक्स प्लस के वाई माइनस के थ्री जेड सिक्स फोर टेन टेन प्लस वन माइनस के नाइन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, टू एक्स माइनस के वाई प्लस के थ्री जेड प्लस के नाइन इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये हमारी उस प्लेन की जो इक्वेशन आई जो हमें फाइंड करना था, माइनस के टू की मल्टीप्लाई जब माइनस वन में करेंगे तो दोस्तों प्लस के वन नहीं प्लस के टू आएगा, जब प्लस के टू करेंगे सिक्स और फोर टेन, टेन माइनस के है और प्लस के टू है, तो कितने आ जाएंगे माइनस के एट, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस के एट। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा है वो हो जाएगा इजीली। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, एक लेक्चर इसका इसी टाइप के क्वेश्चनों का और आने वाला है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर इससे बाद में जो हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में वो आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी रेगुलर तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।
हमारा दूसरा चैनल भी है राजू यादव क्लासेस, उस पर भी जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं मैथमेटिक्स के, और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें दोस्तों। थैंक यू।